अब लोन फ्रॉम बैंक, बैंक का लोन 3,20 था, 4 लाख हो गया, तो हमने बैंक से लोन लिया है, ये हो जाएगा प्रोसीड ऑफ बैंक लोन, कितना 80,000 रुपये आ गए। और लैंड 6 लाख से 8,80 हो गई, मतलब बढ़िया एक्वायर की होगी, एक्विजिशन उसमें तो डेप्रिसन का चांस ही नहीं है, लैंड है, एक्विजिशन ऑफ लैंड कितना 2,80,000 माइनस, ठीक है। प्लांट मशीनरी का कर चुके हैं ट्रीटमेंट हम, इन्वेंट्री 2,80 से 2 लाख हो गई, मतलब इन्वेंट्री हमने क्या कर दी, बेच दी, तो पैसा आया होगा 80,000। ये जो लॉजिक देते हैं ना, बेच दी, ऐसा नहीं है, लॉजिक बहुत अच्छा है उसका, बताऊंगा, टाइम ही नहीं दिया ना तुमने इतना। ट्रेड रिसीवेबल का क्या हुआ, और 2,40 से 4 लाख हो गए, बढ़ गए, तो माइनस करें कितना 160 से माइनस, और क्वेश्चन में 80 से 56 बचे है कैश, कर लो सॉल्व, आ गया आंसर, जो भी मैं फॉर्मेलिटी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर बताओ मुझे तुम, यह कितना आ रहा है इसका, 24 आ रहा है, 54 लाख, 4 लाख, ये आ रहा है पक्का, इसका 2,40,000 माइनस में, और इसका 2,56,000 माइनस में, है ना, टैली कर लेना, माइनस के 24,000 आ रहे हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज 24,000 माइनस, आनंद सर से आज पूछना कि कल उनकी क्लास रहेगी क्या इवनिंग में, और मतलब थोड़ा सा उनको काम है और थोड़ा सा मुझे तुम्हारी क्लास एक्सटेंड करके लेनी है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कैश फ्लो के हम कल बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जब तक एक रिदम में प्रैक्टिस नहीं होगी कैश फ्लो में मज़ा ही नहीं आएगा। कल फिर भी अच्छा हो गया था, 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे और 2-3 होमवर्क हो गए थे, अब नहीं, अब 2 बजे के बाद जाएंगे तो कब नहीं है उनकी क्लास, तब तो मेरी 2 से 4 तो पेज पे रहती है, वहाँ से मैं माने बड़े तुम्हारा, हाँ टेस्ट भी है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, अच्छा है, नहीं अपन इवनिंग में कवर कर लेंगे, जो भी होगा, है ना, थोड़ा मन बना के आना, एक ही दिन तो आना, मन बना के पढ़ाई करना। फोर्थ क्वेश्चन भी दिया था, डिस्कस कर लें, ठीक है, किसे कुछ पूछना है इसमें, इसमें फोर्थ में नहीं, थर्ड में तो नहीं, फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं हम, आज होमवर्क में डिस्कशन में टाइम काफी जा रहा है हमारा, और कल मैं ही कराऊंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे हम बड़े बड़े, और कल मैं तुम्हें डिविडेंड का ट्रीटमेंट बता दूंगा, टैक्स का ट्रीटमेंट बता दूंगा, जनरल रिजर्व का क्या क्या हो सकता है, जितनी संभावनाएं तुम्हारे मन में हैं, जितना मैं समझ सकता हूँ वो मैं सारे बता दूंगा, एडवांस अकाउंट की पेनल्टी की लिस्ट किसके पास है, तुम्हारे पास, राघवेंद्र के पास, देखें चौथा, ओके, इसमें एक तो डिविडेंड वाले पॉइंट में डाउट है और डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में है, और बताओ 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 और बताओ, आज 2 पॉइंट ही, 3 थे उसमें पॉइंट, एक छोड़ दिया तुम लोगों ने,
तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत वैसे पॉइंट नहीं कि टाइम लगे, तो जल्दी हो जाएगा। इसमें शेयर कैपिटल 10 से 8 हो गई। अच्छा, मैं पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन एट 25% वॉज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू पर 25% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। करना है या हो चुका है? नहीं नहीं हो चुका है, वॉज चार्ज। अगर इज टू बी चार्ज लिखा होता तो इसका मतलब जो क्लोजिंग में दिख रहा है वो क्लोजिंग नहीं है, वो डेप्रिसिएशन हटाने के पहले वाला है। ध्यान से सुनना इस लैंग्वेज को, क्या पता क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा। तो अगर वहां लिखा होगा डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में जो क्लोजिंग का अमाउंट दिख रहा है, ओपनिंग तो बेसिकली ठीक है, क्लोजिंग का अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन हटाने के पहले है, पहले है, पहले। तो जैसे हम अकाउंट बनाते हैं ना प्लांट मशीनरी के, तो अपन डायरेक्ट क्लोजिंग वाला लिख देते हैं। लिख मत देना, उसमें आंसर गलत हो जाना है तुम्हारा, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन हटाने के पहले वाला है। तो सोच समझ के करना, मैं कराऊंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कवर कर देंगे। इसमें देखना डेप्रिसिएशन 25% चार्ज किया गया ओपनिंग प्लांट मशीनरी पे एट द ईयर एंड, वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिसकी WDV थी 20,000, सेल की गई है 35,000 में और परचेज वॉज ऑल्सो मेड एट द ईयर एंड। तो ये प्लांट मशीनरी का अकाउंट बना लो, जो लोग करके आए हो वो एक बार बना लो, 2 मिनट भी नहीं लगने तुम्हें। ठीक है, जितने में ढूंढोगे कहाँ किया उतने में हो जाना है। हाँ, तो किसी को डाउट है तो मुझे तो बताना ही है, तो तुम जब तक, अच्छा डेप्रेशन में किसी को डाउट नहीं है? डेप्रेशन में किसी को डाउट है ना? बता देता हूँ ना, ठीक है नहीं? हाँ ठीक है, तो देख लो प्लांट मशीनरी का अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओपनिंग कितना है प्लांट मशीनरी? आज डेट का ध्यान रखना, उल्टी डली हुई है ना, 14 और 15, वैसे 15 14, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा और क्लोजिंग कितना, ऐसा ध्यान रखा था। डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला कि ओपनिंग पे ही लगाया गया 25%, कितना 1,00,000। ठीक है, हाँ लग चुका होगा लेकिन अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा ना। चलो ऐसा बताओ, एक प्लांट मशीनरी का अकाउंट है, ओपनिंग में 50,000 की मशीन थी, इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 10,000 का, डेप्रिसिएशन 10,000 वॉज चार्ज। ठीक है, बताओ क्लोजिंग कितना दिख रहा होगा, जल्दी बताओ। 40, तो बताओ यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा नहीं? ठीक है, दिखाना तो पड़ेगा, लग चुका होगा, मतलब यह है कि अमाउंट जो है वो डेप्रेशन लगने के बाद का है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, लग चुका होगा तो भी लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब जेन्युइन कन्फ्यूजन है। ओपनिंग है, ओपनिंग में लग चुका है, मतलब जो अमाउंट दिख रहे हैं वो डेप्रेशन के बाद है, लग चुका है तो भी तुम्हें दिखाना है कि 25 का लग चुका है, दिखाना तो है ही तुम्हें कि 25। ठीक है, और देख लेते हैं हम, और ईयर एंड पे एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, WDV 20 थी, बेची गई 35 में, ये आएगा बाय बैंक कितना 35। फायदा या नुकसान कितने का, फायदा या नुकसान? फायदा ना, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000 और टू बैंक, क्योंकि उन्होंने बोला कुछ और भी खरीदा गया, तो देख लो कितना 3,00,000। ये हो गया डेप्रेशन वाला पॉइंट, उसके आगे लिखा है टैक्स पेड वाला, तो टैक्स पेड वाला भी बता देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, तो नहीं मान रहा हूँ मैं इसको। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है क्या, तो बता दो ओपनिंग कितना 70। ध्यान से रखना वो उल्टा है पहले से, है ना, और क्लोजिंग कितना है 1,00,000 और टैक्स पे किया गया है 50, तो टू बैंक 50। ठीक है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके इसको समझा रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसे रहता है कि आपने पिछले बार की P&L से 70 निकाला था, ये टैक्स 70 लगेगा, लगा कितना 50। ठीक है, तो
तो कितना प्रोविजन पिछले बार एक्स्ट्रा बना लिया था? 20। तुम्हारा ओवरऑल क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 1 लाख, जिसमें से 20 तो पुराना बचा हुआ है, तो इस बार और कितना बनाया होगा? 80, ऐसे बोला। ठीक है, तो आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 80 तुमने करंट ईयर का बनाया होगा, तो जो करंट ईयर में बनाया होगा उससे क्या करेंगे हम? ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, और जो पे किया होगा उसे हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग से माइनस। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो डिस्कस करो। अकाउंट बना लेना है, जो पी एंड एल से निकला है उसको पी एंड एल में जोड़ो, और जो पे किया है उसको हटाओ। ठीक है, हाँ बता देता हूँ, इसके बाद मैं डिविडेंड का पॉइंट बता दूंगा, इसमें एक बार क्लियर कर लो तुम। और पेनल्टी लग जाती है तो भी क्वेश्चन करने हैं, वो है ना, छोड़ने किसी कीमत पे नहीं है। चलो आगे पढ़े, हम डिविडेंड वाला पॉइंट देख लें। डिविडेंड के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल कहाँ दिख रहा है? बैलेंस शीट में। तो मैंने बताया था कि ऐसा मान लेना कि पिछले साल का इस बार पे हो गया होगा, और इस बार के पी एंड एल से निकाला होगा। तो जब तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो उसमें कितना दिखाओगे, डिफरेंस या करंट ईयर का? करंट ईयर का 2 लाख दिखाओगे। ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझा दूंगा। तो डिविडेंड अकाउंट जब बनाओ तो देखना एक बार, थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ, थोड़ा फिर समझाऊंगा। ओपनिंग कितना है डिविडेंड पेबल? 1 लाख। और क्लोजिंग कितना है दिख रहा है यहाँ पे? ऐसे करके बता रहे हुए सर, नहीं दिख रहा ना, मतलब यहाँ बना देते ना ऊपर, बोला करो होमवर्क नहीं किया तो कौन सा मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आज का। डाउट आउट पूछ लिया अगर, यू हैव पेड होमवर्क वाला। देखो ओपनिंग कितना है 1 लाख, और क्लोजिंग कितना है 2 लाख। ठीक है, देखना ध्यान से। अब जो ओपनिंग वाला होगा वो हमने इस बार पे कर दिया होगा, तो टू बैंक कितना? 1 लाख। और जो क्लोजिंग में है वो इस बार कहां से आया होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आया होगा, तो इस बार कितना आया होगा? 2 लाख। ठीक है, जो ओपनिंग का है वो हमने पे कर दिया होगा, क्योंकि होता ऐसा है जैसे 16-17 ईयर है और ये 17-18। अब यहाँ पे समझा ही देता हूँ, डिविडेंड है ना, इसके तो समझा ही देता हूँ, कंप्लीट मानना इसको, दोबारा नहीं समझाऊंगा। साल भर में आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब यहाँ 2-3 महीने लगते हैं पी एंड एल बनाते बनाते, तो जब बैलेंस शीट बनी तो बैलेंस शीट में इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एब्सोल्यूट पावर है कि वो डिसाइड करें कि डिविडेंड बटना है या नहीं, किसी और का इंटरफेयर ही नहीं है, डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे डिविडेंड बटना या नहीं, शेयर होल्डर का इसमें कोई हाथ नहीं होता। तो डायरेक्टर ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड को प्रपोज किया कि मैं हम चाहते हैं कि 1 लाख का डिविडेंड बढ़ जाए इस ईयर के लिए 16-17। अपने क्वेश्चन में कौन सा ईयर है वही ले लेता हूं मैं, 14-15 और 15-16। तेरह, 14 और 15। क्या कर रहे हो यार क्योंकि 3 साल का कैश फ्लो तो आज तक नहीं पूछा गया क्या मैं डेट को फाइनल मानूं? ओके ये अजम्पशन लेते हुए कि ये डेट होंगे 13-14 में जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के बाद हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा बोला कि हम चाहते हैं कि इस बार 1 लाख का डिविडेंड बांटा जाए। ये डिसाइड करना केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में कि कितना डिविडेंड बांटा जाए, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं होती है, एक प्रपोजल होता है जो शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है।
जिसपे फाइनल परमिशन किससे लेनी होती है? शेयर होल्डर से। दो बातें हैं, अगर शेयर होल्डर खुद बोले कि डिविडेंड बांट दो, तो शेयर होल्डर का ऐसा कोई पावर नहीं है कि शेयर होल्डर बोल दे कि डिविडेंड बांट दो। डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है, डिसीजन कौन लेगा शुरुआत में? डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हाँ 1 लाख बांटा जा सकता है, तो फिर उनको ये बात किससे परमिशन लेनी पड़ेगी बांटने के पहले? शेयर होल्डर। सो प्रपोजल कौन रखता है? डायरेक्टर। केवल डायरेक्टर प्रपोज कर सकते हैं डिविडेंड को, शेयर होल्डर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि भाई 1 लाख का डिविडेंड बांटना है, तो यहाँ के P&L अप्रोप्रिएशन से कितने रुपए निकाल लिए? 1 लाख निकाल लिए। और फिर हुई AGM, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट क्या होती है AGM की? 30 सितंबर, मैक्सिमम 30 सितंबर तक AGM हो जाने चाहिए, है ना, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ AGM हुई, शेयर होल्डर आए, शेयर होल्डर के सामने ये प्रपोज किया गया कि हम लोगों ने सोचा था कि 1 लाख का डिविडेंड बांट दें, तो हमने पिछले बार के P&L से 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बोल सकते कि हाँ बांट दो, बोल सकते कि नहीं मत बांटो, ठीक है, और बोल सकते हैं कम बांटो। कितने ऑप्शन उनके पास? 3। या तो बोल दें कि ठीक है बांट दो, या बोल सकते हैं नहीं मत बांटो, पैसे रोक के रखो, ग्रोथ में काम आएंगे, है ना, नहीं डिविडेंड बांट दोगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो लोन लोगे और दिक्कत आएगी अपने को, अपना पैसा लगा रहने। या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं कि तुमने जितना प्रपोज किया 1 लाख उससे कम बांटो। ये 3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या बोले? या तो हाँ, या ना, या फिर कम। नॉर्मली हाँ। तो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मतलब डिविडेंड का हाँ हो गया होगा। तो डिविडेंड AGM पर डिक्लेयर हुआ हुआ, डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। पढ़ा है तुमने कहीं? तुमने नहीं पढ़ा होगा, डिविडेंड तुम्हारे में है नहीं ना, सीए फाइनल में है, ऑडिट में है। हाँ, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 30 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो अगर 30 सितंबर को भी हुआ होगा तो 30 अक्टूबर तो बट ही गया होगा, मतलब ए डिविडेंड यहाँ क्या हो गया होगा? बट चुका होगा। तो क्या ए डिविडेंड यहां बचा होगा बताओ? क्या जो ओपनिंग का डिविडेंड है वो क्लोजिंग तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो क्लोजिंग में 2 लाख दिख रहा है वो कहां से आ गया फिर? वो नया डिविडेंड क्या किया गया? प्रपोज किया गया, ठीक है। तो यहां पे फिर से जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है। कितना रुपए? 2 लाख। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 1 लाख का एलिमेंट यहां तक पहुंचता ही नहीं है, ये तो बीच में ही बट जाता है। तो मतलब जो पिछले साल प्रपोज किया गया होगा वो इस बार बट गया होगा, कुछ ना कहा जाए तो पूरा, ठीक है। और जो इस बार 2 लाख दिख रहा है ये कहां से आया होगा? ये इस बार के P&L अप्रोप्रिएशन से निकाला गया होगा। कितना रुपए? 2 लाख, ठीक है। क्या कभी डिफरेंस लेना है क्या तुम्हें दोनों का? नहीं लेना है। जो ओपनिंग था वो पे, जो क्लोजिंग है वो इस बार के P&L अप्रोप्रिएशन से। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया हो इस साल का, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी माइनस हुआ ही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बैलेंस शीट से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो P&L का डिफरेंस दिख रहा है उसका तुम क्या बना लेना? P&L अप्रोप्रिएशन बना लेना। मेरा अभी पार्ट समझाना बाकी है P&L अप्रोप्रिएशन का, तो तुम बस P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया करो। अगर क्वेश्चन कहाँ से शुरू कर रहे हो तुम? बैलेंस शीट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट से शुरू कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो हम इसमें P&L अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, इसमें तो डाउट नहीं, हिसाब कर दें, है ना। हम P&L अप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो बताएं ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, साठ हजार, और क्लोजिंग कितना है? 1 लाख, ठीक है। ये तो हो गया P&L। रिजर्व में कितना अमाउंट है? पहले 1.5 लाख था, अब 2 लाख है, तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ है? 50,000। और टू डिविडेंड
डिविडेंड में कितना ट्रांसफर हुआ है बताओ यार, 2 लाख या डिफरेंस 1 लाख? 2 लाख है ना, कितना निकाला गया होगा? 2 लाख निकाला होगा। पुराना 1 लाख तो पे हो चुका होगा, अगर इस बार ना निकालते तो अमाउंट जीरो होता क्लोजिंग में, ठीक है? अगर ना निकालते इस बार तो कितना होता? जीरो। तो यहाँ से 2 लाख निकाल, मुझे लग रहा है इसमें डाउट है क्या 2 लाख पे? अभी कर लो डिस्कस, क्योंकि यही फाइनल है, इसको एक दो बार रेफर करूंगा लेकिन फिर से नहीं समझाऊंगा। तो जो पुराना डिविडेंड रहता है वो पे हो जाता है, जो नया है वो इस बार के पीएनएल से निकाला जाता है। तो यहाँ 2 लाख लिख रहा हूँ मैं, छोटी सी बात और समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है डाउट है, क्यों निकाला जाता है यहाँ पे पीएनएल से? जब आपको यहाँ पे करना है तो यही निकालना ना पीएनएल से। देखो प्रॉफिट किस ईयर का है, समझना इस बात को, है ना? अगर डाउट है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट किस ईयर का है? 13-14 का। तुम 13-14 के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटने वाले हो, भले डिविडेंड तुम 14-15 के बीचों बीच बांट रहे हो, लेकिन किस प्रॉफिट से, किस कमाई से? 13-14। तो 13-14 की कमाई बांटोगे तुम तो 13-14 के प्रॉफिट से काटो ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई खर्चा वहां दिखाओ जहां उसकी इनकम दिख रही हो। तो कमाया आपने कब है? 13-14 में। और जब उसको उसी कमाई का हिस्सा जब आप बांट रहे हो तो क्या आप 14-15 का खर्चा दिखा दोगे उसको? 13-14 का प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो 13-14 के ही पीएनएल से माइनस होना चाहिए। अब लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना कितना डिविडेंड बटेगा, इसलिए हम एक लगभग अमाउंट निकाल लेते हैं पीएनएल से कि चलो फिर थोड़ा कम या ज्यादा होगा तो चल जाएगा, जितना इस बार निकाल सकते उतना तो निकाल ही ले, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं कि 13-14 का प्रॉफिट है उसमें से चूंकि हमें डिविडेंड बांटना है, डिविडेंड बांटेंगे बाद में, लेकिन बांटना तो यहाँ से है ना, तो यहाँ हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और यहाँ से वो डिविडेंड के नाम से 1 लाख निकाल लेते हैं जो कि हम बांटते बाद में, क्योंकि जो यहाँ डिविडेंड बढ़ता है वो बटा होता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 13-14। तो वो कहाँ से माइनस किया जाना चाहिए? 13-14 के पीएनएल से, इसलिए हम 13-14 के पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल लेते हैं। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूं कि जो 14-15 का डिविडेंड है वो बटेगा कब? 15-16 में, एजीएम होगी जब,